जो पार्टी की फीमेल थी उनको रोड्स के ऊपर दुपट्टे उनके छीने गए, उनको घसीटा गया। चारों तरफ इस रोड पे हम खड़े हैं, आप चारों तरफ अपना कैमरा घुमाएं तो आपको हर तरफ पुलिस ऑफिशियल्स ही नजर आएंगे। भाग क्यों नहीं जाती, आप अकेली खड़ी हुई हैं? देखिए हम वकील हैं, हमारी हाई कोर्ट है, हम क्यों भागे? वकीलों को नहीं पकड़ते? पकड़ते हैं, दंसो बट हाउ कैन अबाउट दैट। हम एक हक की राह पे चले। आप ये देखिए कि सब कुछ ऐसे है जैसे आपको कोई काशन कर रहा है, आप पपेटो आप वैसे कर रहे हैं। प्रिजन वैन भी आ गई है। चले कोई बात नहीं, प्रिजन वैन आ गई है, ये उनके लिए होती है। तीन पुलिस वाले ये उनके लिए होती है जो इनलीगल एक्टिविटी करते हैं। पुलिस आपके ऊपर मुख्तलिफ चार्जेस लगा देंगी, रोड ब्लॉक टेस्ट किस लिए कर रही है? हम प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि जिस तरह से एक बोगस गवर्नमेंट बनाई जा रही है, हमारे मुल्क चुराया गया, वो चोरी ये पीडीएम टू बनने जा रही है। लग रहा है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एहतजाज करना चाहती, पंजाब पुलिस जो है वो एहतजाज करने के लिए आई है। जितना साजो सामान लेकर आए हैं और जिस तरह से आप वाटर कैनन देख रहे हैं, जिस तरह से एंटी राइड फोर्स देख रहे हैं, बहिना धांधलियों के खिलाफ चोर चोर की आवाजें लगाई जाए, किसको पसंद नहीं है? उसको पसंद नहीं है जो चोर है, जिसको पता है कि उसका मैंडेट जाली है, वो जाली तरीके से आया। पाकिस्तान खबर टीवी के वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस देख सकें। देखते रहें पाकिस्तान खबर टीवी। मैडम ये इतनी बड़ी जमात है, इतनी बड़ी कॉल दी गई है तो लोग तो आए नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या कना बोदो या कनस्ताइन। देखिए जब आपके मुल्क में जुल्म और बर्बरियत हो, आपका कल आपसे जुड़ा होता है और आपका आज ही आपके कल की अकासी आने वाले की कर रहा होता है। देखिए जिस तरह से आप देखिए इलेक्शन के दिनों में और ओवरऑल हमारी जो पार्टी की फीमेल्स थी उनको रोड्स के ऊपर दुपट्टे उनके छीने गए, उनको घसीटा गया, घरों में चादर चार दीवारी पामाल हुई। आपने देखा प्रपोजर स्कैंडल तक को पकड़ा गया, उनके घर की औरतों को पकड़ा गया, उनके बच्चों को। जब आप इस तरह का माशरे में सोसाइटी में हॉरर खौफ फैला देंगे, अभी देखिए आपको चारों तरफ इस रोड पे हम खड़े हैं, आप चारों तरफ अपना कैमरा घुमाएं तो आपको हर तरफ पुलिस ऑफिशियल्स ही नजर आएंगे। भाग क्यों नहीं जाती, आप अकेली खड़ी हुई हैं? देखिए हम वकील हैं, हमारी हाई कोर्ट है, हम क्यों भागे? वकीलों को नहीं पकड़ते? पकड़ते हैं, दंसो बट हाउ कैन अबाउट दैट। हम एक हक की राह पे चले, हम कानून आईन की बालादस्ती के लिए खड़े हैं और वकला जो होते हैं वो स्टूडेंट ऑफ द कोर्ट होते हैं और हम राइट वे में खड़े हैं, हम क्यों भागे? हमें किस चीज का खौफ? आपको कोई फिक्र खौफ नहीं है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह कोई खौफ नहीं। जब तक हमारे जिस्म में खून है, जब तक हमारी रूह है, जब तक हमारा ईमान है, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीव ऑन दिस कि जब आपका वक्त मुकर्रर है, आपकी मौत है जिंदगी, वो आपका कोई नहीं रोक सकता, तो ये क्या बात है? ये हमारा मुल्क है पाकिस्तान, हम आपने आईन के मुताबिक यहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि आप एहतजाज करें, रैली करें। हम कुछ इलीगल एक्टिविटी नहीं करें तो खौफ का है क्या? आप निकालना क्या है, हुकूमत बन गई है, स्पीकर डिप्टी स्पीकर वजीर आला सारे हो रहे हैं आपके एहतजाज के बावजूद, तो क्या करेंगे आप? क्या नहीं करेंगे आप? ये देखें कि जैसा एक वेल मैनेज, मतलब आप ये देखिए कि सब कुछ ऐसे है जैसे आपको कोई काशन कर रहा है, आप पपेटो आप वैसे कर रहे हो। ठीक है, एक मुल्क का आपका तारीख का सबसे बड़ा इलेक्शन और सबसे डिले रिजल्ट आने वाला इलेक्शन, कंट्रोवर्शियल आपका इलेक्शन, स्टिल आपके इलेक्शन रिजल्ट्स जो है वो इंटीग्रिटी का शिकार है। फॉर्म 45 पे आपके जो लोग आपकी मीडिया कवरेज देती रही है लास्ट टाइम तक कि कौन जीत रहा है और विद द स्पर ऑफ मोमेंट चीजों को चेंज कर दिया गया है, उससे आपको क्या लगता है कि लोग बचे हैं? जो लोग निकले हैं जिन्होंने रेफरेंडम किया है, क्या वो अपने मैंडेट चोरी होने के बाद क्या वो माफी दे देंगे? और ये एक रिक्ड और बोगस गवर्नमेंट बन रही है जो कानून के खिलाफ है, आपका कोरम नहीं पूरा है। प्रिजन वैन भी आ गई है। चले कोई बात नहीं, प्रिजन वैन आ गई है, ये उनके लिए होती है। तीन पुलिस वाले ये उनके लिए होती है जो इनलीगल एक्टिविटी करते हैं, जो कानून और लॉ को ब्रेक करते हैं। आप क्यों डरा रहे हैं? ये पुलिस कौन है? ये हमारे टैक्स से इनको सैलरी दी जाती है। पुलिस का काम है अपने मुल्क की आवाम की सिक्योरिटी करना। पुलिस आपके ऊपर मुख्तलिफ चार्जेस लगा देंगी, रोड ब्लॉक करने का, प्रोटेस्ट करने का, चले बहुत सारी चार्जेस लगा देंगे। चले कोई ऐसी बात नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम पॉलिटिक्स। अगर मैं बेसिकली पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के खिलाफ हूँ, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। बाकी चार्जेस देखिए, ऑन द कैमरा हम खड़े हुए हैं, हम निहत्ते हैं, हमारे खाली हाथ है, ये भी अपने मुल्क का डिफेम है ना। आप एक बंदे को उसके हाथ में कलम है, उसके हाथ में आप गन दिखा दें या डंडा दिखा दें, ये क्या है? ये भी तो कानून के साथ खिलवाड़ है ना। इस चीज को भी तो आवाम देख रही है, आपने देखा नहीं 8 फरवरी को इन्हीं बातों का? प्रोटेस्ट किस लिए कर रही है सर? हम प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि जिस तरह से एक बोगस गवर्नमेंट बनाई जा रही है, हमारे मुल्क चुराया गया, वो चोरी ये पीडीएम टू बनने जा रही है, आप इसके रिजल्ट देखिएगा क्या होते हैं।
ठीक है, ये बोगस गवर्नमेंट है। दो नंबर चीजें कब तक चलती है, दो नंबर चीजों ने कब तक चलना होता है? ठीक है, सब अच्छा होएगा इंशाल्लाह। मेरे साथ शायद चोर साहब मौजूद हैं जो सीनियर साहबी हैं और हुकूमती और सियासी जो ईवान है उनमें गहरी नजर रखते हैं, सियासी उतार चढ़ाव को भी बड़ी संजीदगी से देखते हैं। चोर साहब, ये पुलिस एहतजाज क्यों कर रही है? देखें, यहाँ पे एहतजाज तो है वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, मुबैना धांधली के खिलाफ। पीटीआई का? हाँ जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। मुझे तो लग रहा है पुलिस कर रही है। अब ये आज का दिन जो है एक तारीखी दिन है। इससे पहले जितने एहतजाज हुए जिसको रोकने की कोशिश की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो मामला निगरान हुकूमतों पे बरता रहा, लेकिन आज का जो एहतजाज है जिसको रोकने की कोशिश की जा रही है, ये डायरेक्ट जो वजीर आला पंजाब है मरियम नवाज, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनके ऊपर डाल रही है कि जान। मुझे ये बताएं, ये पुलिस एहतजाज रोकने के लिए आई है कि एहतजाज करने के लिए आई हुई है? देखिये, जो बजाही नजर आ रहा है ऐसा लग रहा है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं एहतजाज करना चाहती, पंजाब पुलिस जो है वो एहतजाज करने के लिए आई है। जितना साजो सामान लेकर आए हैं और जिस तरह से आप वाटर कैनन देख रहे हैं, जिस तरह से एंटी राइड फोर्स देख रहे हैं, तो यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि शायद कोई बहुत बड़ा जलसा था जिसको रोकने के लिए आए हैं। अच्छा, तो ये क्यों प्रोटेस्ट क्यों करना था पीटीआई वालों ने? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपने देखा है मुबैना धांधलियों के खिलाफ उनका जो है कॉल दी गई है कि एहतजाज किया जाएगा पूरे पाकिस्तान के अंदर, जो है बानी चेयरमैन की दरख्वास्त के ऊपर आज एहतजाज हो रहा है, और खासकर आपने देखा केपीके के अंदर इनकी हुकूमत बन चुकी है, वहां पर भी एहतजाज है। इसके साथ साथ इस्लामाबाद की बात करें, वहां आपने देख लिया दफा 144 का नफाज कर दिया गया। अब यहाँ पे बुकला जो लॉज विंग है, आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने यहाँ पे एहतजाज किया, 5-7 लोग, बिल्कुल 5-7 लोग उन्होंने, इतनी बड़ी जमात और इतनी बड़ी कॉल दी गई लेकिन लोग नहीं आए। हाँ, हमारी इनसे बात हुई है, उनका कहना ये खौफ तो नहीं है, हिकमत अमली है हमारी। अच्छा। कि हम चाहते थे कि ये पावर शो हो जाए और जो पुलिस वाले हैं ये समझ लें हमारे एहतजाज का हिस्सा है। अच्छा। इससे ये साबित हो गया कि अगर इतनी बड़ी तादाद में पुलिस रोकने की लाई है तो यही तो हम दिखाना चाह रहे हैं कि आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाया जा रहा है और ताकत के जरिए दबाया जा रहा है, और आखिर कब तक दबाया जाता रहेगा? अवाम ने फैसला 8 फरवरी को दे दिया, उन्होंने बता दिया कि जमहूरियत जो है वो ही सबसे बेहतर है, वोट की ताकत ही सबसे बढ़ गया, तो उसके बाद आप कितना दबा सकते हैं और कब तक दबा सकते हैं? साहब, किधर गई वोट की ताकत? देखिए इम्तियाज भाई, हम क्योंकि जर्नलिस्ट हैं, हम लोग ये कह रहे हैं कि कहां गई वोट की ताकत? वोट की ताकत तो साबित हो गई, अब इशू जो है वो है कि क्या ताकत को ताकत से रोकना है? अच्छा। क्या इसी तरह चीजों को दबाकर मामलात को सुलझाया जा सकता है? क्या ये हल है कि आप बार बार एहतजाज को रोके, मुबैना धांधलियों के खिलाफ चोर चोर की आवाजें लगाई जाए? किसको पसंद नहीं है? उसको पसंद नहीं है जो चोर है, जिसको पता है कि उसका मैंडेट जाली है, वो जाली तरीके से आया है, जो असल तरीके से आया है। आपको कोई चोर कहेगा आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आप चोर नहीं है, लेकिन जो चोर है उसको चोर कहने से फर्क पड़ेगा। तो ये चीज है, ये समझाने और समझने वाली बातें हैं। जमहूरियत के अंदर एहतजाज, पुरअमन एहतजाज जमहूरियत का हुसन हुआ करते हैं। चोरी सब हर दौर में चोरी हुई है, 18 में भी हुई थी, उससे पहले भी हुई थी, तो ये चोर सिपाही का खेल जो है ये चलता रहेगा? देखिए इम्तियाज भाई, चोर सिपाही का खेल चलता आ रहा है, शायद इतनी बड़ी शिद्दत नहीं थी। 2018 में भी चोरी के इल्जाम लगे और अब भी जो चोरी के इल्जाम लगे हैं उसकी शिद्दत बहुत ज्यादा है, उसकी हिद्दत को आप महसूस कीजिए। इसमें एक पार्टी को हक नहीं दिया गया, जल्द से जुलूस का हक नहीं दिया गया, बाहर नहीं निकलने दिया गया, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकफ है जिसको आप पीछे नहीं हटा सकते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि एक वो पार्टी जिसका लीडर जेल के अंदर बैठा हुआ है और वहां से पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात बनकर वो ऊपर आए, जो कि हर दूसरा बंदा कह रहा है, हर बंदे को पता है कि ये मैंडेट जाली है, जिनको मैंडेट दिया जा रहा है वो खुद कह रहे हैं ये हमारा मैंडेट नहीं है, आप लोग देख रहे होंगे। खैर, हम अगर दूसरे नजरिए से भी देखें तो मेरा ख्याल है एहतजाज करने देना चाहिए, एहतजाज जमहूरियत का हुसन है, इसको अगर आप रोकते हैं तो ये मरियम बीबी जो है जिनकी अभी पंजाब के अंदर हुकूमत बनी है उनके लिए अच्छा या नेक शगुन ना कह ले या अच्छा तासुर नहीं जा रहा है। अगर मरियम बीबी ये एहतजाज होने देती तो ये कहा जाता अच्छा होता हुकूमत बन, ये अच्छा होता और मरियम के लिए एक अच्छा मैसेज जाता कि जनाब देखें वो एक जमहूरी खतून है, उन्होंने ऑपोजिशन को अगर वो एहतजाज कर रही है उनको बल्कि अपना समझ सिक्योरिटी दी है, उनको एहतजाज करने का हक देते हैं, उनको सहूलियात देते हैं। जीपीओ चौक में पुलिस ही पुलिस है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज था लेकिन लग रहा है कि ये पुलिस जो है वो एहतजाज करने जा रही है, क्योंकि जितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर पुलिस है, लोग जो है वो परेशान है, एहतजाजी जो है वो यहाँ पर नहीं पहुंचे,
लेकिन पुलिस की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है और अतराफ में मौजूद है, एक तरफ नहीं है, दोनों अतराफ में पुलिस जो है वो खड़ी है, माल रोड के ऊपर भी और यहाँ पर हाईकोर्ट के बिल्कुल सामने भी प्रिजन वैन भी मंगवा के जो है वो खड़ी कर ली है। अगर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन या कोई रहनुमा यहाँ पर एहतजाज करने के लिए आता है तो उसे स्नैप किया जाएगा, उसे पकड़ा जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा। और यहाँ पर चंद वकला आए थे, उन्होंने एहतजाज किया लेकिन वो भी ख़त्म हो गया। अपने मेज़बान मियाँ इम्तियाज़ को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने जाना।